दोस्तों स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबर में। दोस्तों आपको बता दें कि पूरे भारत देश में मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि अगर आपके पास में है आधार कार्ड तो आपको मिलेगा 2,35,000 रुपये और ये पैसा आपको घर बनवाने के लिए मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें कि अगर आपके घर में एक बेटी है एक बहन है तो उनके लिए भी मोदी सरकार 1,00,000 रुपये दे रही है सीधे आपके बैंक अकाउंट में। जी हाँ, आपको बता दें कि यह बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। पूरे भारत देश में इस योजना को लागू किया गया है। अगर आपके पास में है आधार कार्ड, आपके घर में बहन बेटी है तो इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक देखिएगा क्योंकि 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आपको ये पैसा कहां से मिलेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटी को जरूर दबाएं क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और मोदी सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं निकल के आएंगी आपको तुरंत मिल जाएगी। दोस्तों आपको बताना है कि जिसके पास में है आधार कार्ड उनको मोदी सरकार 2,35,000 सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है और ये पैसा उनको घर बनवाने के लिए दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि इस योजना का लाभ आप भी उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताना है कि आपका अकाउंट किसी भी बैंक खाते में होना चाहिए या फिर 0 अकाउंट हो, जनधन अकाउंट हो, भारतीय स्टेट बैंक में हो, किसी भी बैंक में एक ना एक खाता होना चाहिए, आपके पास में 2 फोटो होना चाहिए और 1 आधार कार्ड होना चाहिए तो ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों आपको बताना है कि इस योजना का लाभ उन लोगों को बिल्कुल नहीं मिलेगा जिनके घर में किसी भी व्यक्ति का सरकारी नौकरी है। जी हाँ, इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति का सरकारी नौकरी है तो इस योजना का आप लाभ नहीं उठा सकते। ये जो योजना निकाली गई है सिर्फ गरीब परिवारों के लिए निकाली गई जिसका आय स्रोत साल भर में कम से कम 10,000-20,000 कमाई होता हो। अगर आप सबसे गरीब परिवार में आते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं कि ये पैसा आपको कहां से मिलेगा 2,35,000 सीधे आपके बैंक अकाउंट में। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके पास में है आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और 2 पासपोर्ट, आपको साइज फोटो लेके जाना होगा जन सेवा केंद्र पर। वहां पे आपको एक फॉर्म भरवाया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद में अपना सिग्नेचर कर दीजिए, आधार कार्ड का जेरॉक्स लगाइए, उसमें फोटो भी डालिए और बैंक का पासबुक का जेरॉक्स लगाकर उनको दे दीजिए। देने के बाद में आपको 1 हफ्ते वेट करना होगा। 1 हफ्ते के बाद में आपके मोबाइल पे SMS आ जाएगा और उसके बाद में आप जाकर सीधे बैंक अकाउंट से आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अगर आपके घर में है बहन बेटी तो उनके लिए 1,00,000 रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में दिए जा रहा है और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। वहां पे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो भी पैसा मिल जाएगा क्योंकि डायरेक्ट आपको पोस्ट ऑफिस में ही खाता खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि आने वाली मोदी सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं हैं आपको तुरंत मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।